जिले के तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में पार्षद पुत्र की हत्या के 7 दिन बाद तक भी कोई नतीजे पर नहीं पहुंची पुलिस। वहीं मृतक के पिता क्षेत्रीय पार्षद ने समाजजनों को लेकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंप कर लगाई न्याय की गुहार। विगत दिनों ओंकारेश्वर के नागर घाट के ऊपरी क्षेत्र में 25 नवम्बर की सुबह वार्ड 6 के निवासी पार्षद राकेश ढांसे के बेटे आयुष 18 वर्ष का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला था। वहीं आज रविवार 1 दिसंबर को मृतक आयुष के पिता अपने सभी समाजजनों को साथ लेकर जांच कर खुलासे की मांग को लेकर एक ज्ञापन थाना प्रभारी को दिया गया। गौरतलब है कि ओंकारेश्वर के वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद राकेश ढाकसे का बेटा आयुष बोरवा के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। 24 नवम्बर को अपने घर से बोरावा जाने का कहकर निकला था। 25 नवम्बर की सुबह संदिग्ध अवस्था में उसकी लाश मिली। उसे सिर व हाथ में चोटे के निशान थे। आयुष की मौत कैसे हुई, आज 7 दिन का समय बीत जाने के बाद भी मानदाता पुलिस इसका पता नहीं कर पाई है। जबकि आयुष का एंड्रॉइड मोबाइल फोन भी चालू स्थिति में होना कई शंकाओं को जन्म दे रहा है। वही मृतक के परिजन द्वारा थाना मानदाता को एक ज्ञापन दिया गया है। वही मानदाता थाना प्रभारी जगदीश पाटीदार द्वारा यह भी बताया गया है कि आयुष की मौत सर में चोट लगने से हुई है। हम लोग प्रकरण में गहन जांच कर रहे हैं, जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही मृतक के आयुष के पिता ढाकसे ने बताया कि मेरे बेटे की हत्या हुई है, जिन लोगों पर मुझे शंका है उनके नाम पुलिस को दिए गए हैं। मैं अपने समाजजनों एवं नगर के जनप्रतिनिधियों के साथ थाने पर हत्या के प्रकरण में शीघ्र कार्रवाई करने संबंधी एक ज्ञापन दिया गया है। मध्य प्रदेश के खंडवा से अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट। बताएं सर, आज जो पीड़ित परिवार ने ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? ये दिनांक 24 को एक लड़के आयुष की लाश मिली थी नागर घाट में, जो उसकी मृत्यु सस्पेक्टेड है, उसके सिर में चोट है, चोट से उसकी मृत्यु होना पाई गई है। इस संबंध में कुछ लोगों को हमने संदेहास्पद डिटेक्ट किया है और इन्होंने ये कहा कि भाई इस संबंध में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसमें उचित जांच की जाए और जो दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। इस संबंध में ज्ञापन दिया है, इस पर से हम गहन तफ्तीश कर रहे हैं और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। उद्देश्य को लेके यहाँ आए हैं राकेश जी? हम नगर पंचायत में हमारे परिसर वाले पार्षदगण, अध्यक्षगण और हमारे समाज वाले और हमारे परिवार वाले, हम इस समस्या लेके आए हैं कि हमारी समस्या का टीएस आपको हमने 2 बार बताया, टीएस हमने बोला आप आइए, हम आपकी समस्या का पूरा समाधान करेंगे और हम आपका पूरा इस जो घटना घटी है इस घटना को हम पूरी पूर्ण रूप से इसको 1-2 दिन में हम निवाल कर देंगे। और आपसे परिवार और हमारे पत्रकारों से भी निवेदन है कि इसको थोड़ा गहराई से लेके और इस ओंकारेश्वर के अंदर में से बार बार घटनाएं हो रही है, इसके लिए हम टीआई साहब से भी निवेदन करेंगे और आप जनता से भी करेंगे कि थोड़ी उजागर होकर अपनी जनता अपने ओंकारेश्वर में ये व्यवस्था का उल्लंघन हो रहा है और ये चल रहा है, इसको बंद करिए। घटना क्या तो हुई है? घटना ये हुई है कि ओंकारेश्वर में मेरे बालक शनिवार के दिन सुबह से 5:30 बजे रवाना हुआ था यहाँ से कॉलेज के लिए और वहाँ से जब कब आया ये पता नहीं मेरे को अभी तक चला है। किन लोगों पे शंका है आपको? जी हाँ, जिन लोगों पे शंका उनके नाम मैंने दर्ज करवा दिए हैं। ठीक।